सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अवाम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में कारामत नुस्खा करार दे दिया है। इसके साथ उनका कहना था कि मंशियात का जहर नस्लों की रगों में उतरने का सिलसिला रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने सियासी अख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए एक होने की अपील करते हैं। मतलब किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर आवाम में ज़्यादा उनके टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। एक्साइज के अमलदार और बाकी जो हैं पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में कोशिश कर रहे हैं मंशियात के खिलाफ, उस पर मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। मैं कहूँगा पाकिस्तान के आवाम को, चाहे आप किसी भी पोलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी सियासी जमात में हो, किसी भी आपका मजहबी जमात में हो, सब चीज़ों को भूल कर सबको आपस में एक दूसरे को अपनाएं, जिससे इख्तलाफात हैं उस इख्तलाफात की जो वजूहत है उसको माफ़ करना शुरू करें, आपस में भाईचारा करें और एक मजबूत बनकर इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए सोचें, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।